वर्तमान झारखंड सरकार के कामकाज को आप किस रूप में देख रही हैं मैम? देखिए मिश्रित है कुछ। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हेमंत जी के साथ जो कुछ हुआ है हम उसका बहुत निंदा करते हैं। अभी हमारे पार्टी की सेंट्रल कमेटी की बैठक भी हुई और उसमें उस पूरे पॉलिटिकल रिपोर्ट में हमने एक हिस्सा उसमें हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के साथ ये जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में बैठकर एक ट्राइबल लीडर के प्रति, मतलब क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए आप लोग सब जानते हैं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहती हूँ। जैसे राजा महाराजा कोई बैठे हैं और आदिवासियों के बारे में इस प्रकार के अपमानित करने वाले शब्द इस्तेमाल किए, ये बहुत ही गलत है। और आजकल ईडी तो देखिए भ्रष्टाचार कहीं भी हो कैसे भी हो उसके खिलाफ हमारी पार्टी की लड़ाई है, लेकिन उसके तरीके होते हैं। आप साबित करो, आप चार्जशीट दो और उसके बाद दोषी पाते आप जेल में दो। यहाँ तो पहले आप किसी को टारगेट करके आप जेल में भेजोगे। तो एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बाकी जो आपका प्रश्न है, कुछ मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार ने कुछ सकारात्मक भी कदम उठाए हैं। मिसाल के तौर पर अभी जो पूरा ज़मीन का मुद्दा चल रहा था कि यहाँ झारखंड में जो फॉरेस्ट के पट्टे हैं वो जो कानून है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, आज तक झारखंड में उसको लागू नहीं किया। अभी उन्होंने जो पूरा कैंपेन चलाया सरकार हर एक के द्वार या ऐसा जो उनका स्लोगन था, हमने देखा कि एट लास्ट नौकरशाही कुछ मूव किया और कुछ हद तक ये जो एक पूरा गैप रहा जो मैनिफेस्टो का और उनका, कुछ हद तक उन्होंने ज़रूर प्रयास किया उसको पूरा करने में। इसके अलावा जो अभी इन्होंने कुछ कानून भी बनाए, जैसे पेशा कानून के लिए उन्होंने जो नियमावली बनाए हैं, अभी जो उसको लागू करने का ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को भी थोड़ा एक्टिव करने का जो उनका एक मुद्दा रहा, ये सब चीज़ों पर मैं समझती हूँ पिछले सरकार की तुलना में उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाए थे। मजदूरों के बारे में भी, उनके अधिकारों के बारे में भी उन्होंने कुछ साथ दिया। लेबर कानून जो बिल्कुल गलत है उसको यहाँ नहीं लागू करके मिनिमम वेज के बारे में कुछ प्रयास किया, ये कुछ चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही कमियाँ रही है और आज भी वो कमियाँ हैं। और हम लोग जो बार बार बोल रहे थे कि आप सबको लेकर जो कमियाँ हैं जहाँ आपकी नौकरशाही, जहाँ आपके दूसरे मतलब ग्रास रूट लेवल पर जो एफिशिएंसी होना चाहिए किसी चीज़ को लागू करने में, उसमें जो बड़े भारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उस पर जितना ध्यान देना चाहिए वो नहीं है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।